वेलकम बैक फ्रेंड्स। हमने अपना वर्किंग कैपिटल असेसमेंट का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर हम पिछले चार पांच लेक्चर से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट प्रोसीजर क्या है और उसकी जो अलग अलग टर्म्स हैं और उसके प्रोसीजर के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। लास्ट चार पाँच लेक्चर में काफ़ी डिटेल्स बनाई हैं उसके अंदर। तो जो लास्ट लेक्चर मैंने स्टार्ट किया था उसके अंदर मैंने आपको एक्सपोर्ट की पेमेंट्स के बारे में समझाना स्टार्ट किया था। मैंने आपको बताया था कि एक्सपोर्ट्स में जब एक्सपोर्ट हो जाता है तो जो एक्सपोर्टर है वो इंपोर्टर को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भेजता है, जो मैंने नीचे दोबारा लिख भी दिए हैं लिस्ट जो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स भेजे जाते हैं। और प्लस मैंने इन सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको पिछले लेक्चर्स में पूरी डिटेल्स एक वन बाय वन क्लियर करवाई है कि ये क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जो जो सैंपल दिखाने थे डॉक्यूमेंट्स के वो मैंने आपको सैंपल भी दिखाए हैं कि ये इस तरह के दिखते हैं डॉक्यूमेंट्स। अब उन जो डॉक्यूमेंट्स में से एक लेटर ऑफ क्रेडिट का जो डॉक्यूमेंट होता है उसके बारे में मैंने आपको क्लैरिटी नहीं करवाई थी, वो मैंने जानबूझ के छोड़ दिया था टॉपिक। और मैंने आपको बताया भी था कि मैं उसको सही टाइम आने पे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करूंगा। आज के दिन में वो राइट टाइम है कि हम लेटर ऑफ क्रेडिट टॉपिक को पढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो ये फ्लो चार्ट आपको लास्ट लेक्चर में याद होगा कि मैंने आपको बना के दिया था कि जो हमने एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स सेंड करने होते हैं, जो जो पेमेंट टर्म्स होती हैं वो किस तरह की होती हैं, हमने डायरेक्ट या बैंक के थ्रू डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं, इन दोनों के एडवांटेजेस वगैरह मैंने आपको डिटेल में कवर करवाई थी। मैंने बताया था कि अगर आपका जो डॉक्यूमेंट्स का सेट है, जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो पिछले स्लाइड में हमने देखी, अगर उसमें LCB आप इंक्लूड करके भेज रहे हैं तो इस तरह से आप काम करेंगे, DA, DP, आफ्टर डेट, आफ्टर साइट, इस तरह की आपकी टर्म्स रह सकती हैं। अगर LC इंक्लूडेड है तो टर्म्स कैसी रहेंगी वो हम आज के टॉपिक में अपना डिस्कस करेंगे। तो अभी हम जो आज का टॉपिक है हमारा वो डिटेल्ड डिस्कशन है लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में। देखिए आपने लास्ट लेक्चर्स में भी मेरे देखा होगा कि कोई भी टॉपिक को मैं बिल्कुल समराइज्ड तरीके से समझाने की बजाय मुझे डिटेलिंग करना उस टॉपिक की बहुत अच्छा लगता है। जब तक मैं डिटेलिंग करके उसको पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे तरह से नहीं समझा देता तब तक मुझे खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं आती कि मैंने इस टॉपिक को अच्छे से समझाया है आपको। तो सिमिलरली जो लेटर ऑफ क्रेडिट का टॉपिक है वो बहुत लोगों को ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती इन डेप्थ की भाई ये कैसे वर्क करता है या क्या सिस्टम रहता है लेटर ऑफ क्रेडिट का। तो आज मैं इसकी जो डिस्कशन है वो डिटेल में करना चाहूंगा आपके साथ ताकि आपको पूरे कंसेप्ट की क्लैरिटी हो जाए, चाहे मेरा लेक्चर उसकी वजह से थोड़ा सा लेंथी भी बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, लेटर ऑफ क्रेडिट को हम डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट भी बोल देते हैं, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट भी बोल देते हैं। अब ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट डॉक्यूमेंट है इसका क्या मीनिंग है वो तो हम चलिए हम समझेंगे। सबसे पहले तो जो ये प्रोडक्ट है या जो ये इंटरनेशनल ट्रेड में टर्म है इसको गवर्न कौन करता है, इसके अगेंस्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस कहाँ लिखे हुए हैं। जो इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं वो लिखे हुए हैं यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिसेस कोड फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। ठीक है जी। तो इनको शॉर्ट फॉर्म में हम UCPDC गाइडलाइंस भी बोल देते हैं। ये गाइडलाइंस किन्होंने बनाई है, ये इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा बनाई गई हैं ये गाइडलाइंस, ICC बोलते हैं उनको, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ये गाइडलाइंस बनाई हैं। तो ये जो 600 है, 600 का क्या मीनिंग है, ये इसका वर्जन है। देखिए जब से ये गाइडलाइंस लॉन्च हुई हैं, जैसे जैसे इंटरनेशनल ट्रेड बदला है तो उसके बाद इस गाइडलाइंस में रूल्स एंड रेगुलेशंस में बदलाव आते रहे हैं और नए नए अपडेटेड वर्जन इसके लॉन्च होते रहे हैं। तो जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो 600 वाला वर्जन चल रहा है। तो इसमें काफ़ी सारे आर्टिकल्स दिए हुए हैं, काफ़ी सारे आर्टिकल्स इस पूरी गाइडलाइंस में दिए हुए हैं, आप इन गाइडलाइंस को डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं डिटेल में। इसके बारे में पूरी डिटेल लेटर ऑफ क्रेडिट की मेंशन्ड है कि क्या क्या लेटर ऑफ क्रेडिट होती है, क्या टर्म्स हो सकती हैं, कुछ भी जो भी आप सोच सकते हैं सारी डिटेल्स इसके अंदर कवर्ड है। तो चलिए हम इसके बारे में तो नहीं पढ़ेंगे UCPDC गाइडलाइंस के बारे में कि भाई इसके अंदर क्या लिखा हुआ है क्या नहीं, हमने तो लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में जानना है कि भाई वो क्या चीज़ है। तो नीड फॉर लेटर ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट, तो अब हमने अपना स्टार्ट करना है टॉपिक की लेटर ऑफ क्रेडिट है क्या चीज़, बेसिकली इसका मीनिंग क्या है और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में। अभी आप ध्यान से इस चीज़ को समझना है आपको। अभी आप समझिए कि फॉर एग्जाम्पल आप मुंबई शहर में रहते, आप फॉर एग्जाम्पल आप इधर लोकल ही लगा लीजिए, आप इधर लुधियाना शहर में रहते हैं फॉर एग्जाम्पल, ये आपका सिटी है यहाँ जहाँ पे आप रहते हैं, ठीक है। अब अगर आपने मान लो चंडीगढ़ में
किसी पर्सन को, मिस्टर ए को कोई गुड्स सेल करनी है। चंडीगढ़ से कोई पर्सन आया, वो कह रहा है कि हमें आप गुड्स अपनी बेचिए, हमें गुड्स अपनी सेल करिए, गुड्स आपने चंडीगढ़ में सेल करनी है। तो देखिए आपको क्या दिक्कत आएगी, आपके मन में क्या डर बैठेगा, आपके मन में डर बैठेगा कि कहीं ये ना हो कि मैं उसको माल भेज दूं, मतलब अपने गुड्स मैं उसको सेंड कर दूं और वो मेरे को पेमेंट ना करे, और वो मेरे को पेमेंट ना करे। ये डर रहेगा ना आपके मन में कि मैं उसको गुड्स भेज दूं, क्या वो मेरे को पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा, पूरी पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा, टाइम पे करेगा कि नहीं करेगा। ये चीज तो इस चीज को रिजोल्व करने के लिए आप बोलेंगे कि भाई मेरे को ये डर है कि आप मेरे को पेमेंट करोगे कि नहीं करोगे, आप ऐसा करो आप मेरे को एडवांस पेमेंट भेज दो, एडवांस पेमेंट भेज दो। आप मिस्टर ए को बोलोगे मेरे को एडवांस पेमेंट भेज दो, फिर आप मिस्टर ए के फुटस्टेप्स में आ जाइए, वो डरने लग जाएगा कि भाई अगर मैंने इसको एडवांस दे दिया, अगर मैंने उसको एडवांस दे दिया तो क्या ये बंदा इतना ट्रस्टवर्दी है कि मेरे को अच्छी क्वालिटी की गुड्स भेजेगा, जिस तरह की क्वालिटी की गुड्स को मैंने ऑर्डर किया हुआ है, या मेरे को गुड्स को टाइमली सप्लाई करेगा, या मेरे को गुड्स की टाइमली सप्लाई करेगा, या जो गुड्स है मेरे को डिलीवर करेगा भी नहीं करेगा, या भी नहीं करेगा, गुड्स डिलीवर करेगा भी या नहीं, क्वालिटी गुड्स भेजेगा या नहीं, टाइम पे गुड्स भेजेगा या नहीं। तो आप ये मिस्टर ए के मन में भी डर रहेगा, आपके मन में भी डर रहेगा। अगर इस तरह से चलने लग गए, इस तरह से आप चलने लग गए तो कभी भी आप बिजनेस, तब तो कभी भी आप बिजनेस आपस में नहीं कर पाओगे, डरते ही रह जाओगे हमेशा। तो जब इस तरह का डर आपस में बैठ जाता है तो कई बार क्या होता है कि जो ये पार्टीज हैं दोनों, जो बायर्स एंड सेलर्स हैं, बायर और जो सेलर है, ये आपस में क्या करती हैं कि एक मिडलमैन को डाल लेती हैं, मिडलमैन को डाल लेती हैं। ठीक है, जो मिडलमैन होता है वो एक भरोसे वाला ट्रस्टवर्दी बंदा होता है, ट्रस्टवर्दी बंदा होता है जिसके ऊपर ये भी भरोसा करता है और ये भी आंख बंद करके विश्वास करता है, और वो इन दोनों की डील को स्ट्रक ऑफ करवाता है, और वो इन दोनों की डील को स्ट्रक ऑफ करवाता है, और इनका बिजनेस की ट्रांजेक्शन जो है, बिजनेस की जो ट्रांजेक्शन जो है उसको कंप्लीट करवाता है ये मिडलमैन। ठीक है, तो ये तो आप अपने मोहल्ले में भी, आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखते होंगे कि आप अपने शहर में रहते हैं, अगर आप अपने मोहल्ले में जहां पे रहते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल उसके एक कॉर्नर पे करियाना की शॉप है, वहां पे आप जाते हैं, 25-30 साल से आप मोहल्ले में रह रहे हैं, वहां से आपने कुछ सामान खरीदना है तो आप उसको एडवांस पेमेंट देके भी आ जाएंगे, या वो उससे उधार भी ले जाएंगे तो बाद में भी देखेंगे, तो वो उसके ऊपर आपको ट्रस्ट रहता है। अगर आपको यही आप सोचिए कि आपको दो मोहल्ला छोड़ के चौथे मोहल्ले में किसी और एरिया में आपको अपने शहर के किसी रैंडम शॉपकीपर के साथ डील करना हो, तो ना वो आपको उधार माल बेचेगा, ना आप उसके ऊपर ट्रस्ट करोगे कि मैं उसको एडवांस पेमेंट दूं और वो मेरे को उसके अगेंस्ट माल लेटर ऑन सेंड कर देगा, ये ट्रस्ट इशू आप दोनों के बीच में हमेशा रहेगा। तो आप ये तो देखिए, ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताई है, ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल समझाई है, ये तो थी डोमेस्टिक बिजनेस की एग्जाम्पल, डोमेस्टिक बिजनेस की जो हम कहाँ कर रहे हैं, डोमेस्टिक बिजनेस इंडिया में कर रहे हैं, डोमेस्टिक बिजनेस जो हम कर रहे हैं इंडिया में कर रहे हैं। ठीक है, अब आप जरा इस चीज को वाइडर बना दीजिए, इस चीज के बारे में थोड़ा और विचार कीजिए कि जब इंटरनेशनल ट्रेड का बिजनेस इन्वॉल्व रहता है, जब क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन होती हैं, कोई बंदा जो बायर सेलर हैं वो किसी दूसरी कंट्री में बैठे हैं, तो ये विश्वास एक दूसरे के साथ बैठ पाना, ये जो भरोसा है कि ये ट्रांजेक्शन सही से कंप्लीट हो जाएगी, ये ट्रांजेक्शन का बैठ पाना कितना मुश्किल होएगा। आपको तो अपने एक मोहल्ले से दो मोहल्ला छोड़ के किसी शॉपकीपर के साथ डील बिठाना मुश्किल हो सकता है, अगर आपको उधार की या एडवांस की डील बिठानी है। ये तो हम बात कर रहे हैं क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन की, तो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन में आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि ये डील बिठाना कितना मुश्किल है। तो जब इस तरह की मुश्किलें आती हैं तो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट रहता है वो रहता है लेटर ऑफ क्रेडिट का, लेटर ऑफ क्रेडिट का, लेटर ऑफ क्रेडिट का। अब क्या रहती है इसकी वर्किंग मेथड, अब ध्यान से देखिएगा इसका वर्किंग मेथड, इसका वर्किंग मेथड ध्यान से देखिएगा। अब फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया में हैं, फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया में हैं और ये अमेरिका है, ये अमेरिका है, ये इंडिया है, ये अमेरिका है। ठीक है जी, तो अभी आपको क्या करना है कि इंडिया से अमेरिका में, इंडिया से अमेरिका में गुड्स को सेल करना है। ठीक है जी, तो ये फॉर एग्जाम्पल
आपकी फैक्ट्री है, ये आपकी फैक्ट्री है, या आपका जहाँ पे भी गुड्स रखी हुई है ये वो जगह है, ठीक है, ये आपका है जगह। और जो यहाँ पे मिस्टर ए हैं, जो यहाँ पे मिस्टर ए हैं, ये उनकी जगह है अमेरिका में, ठीक है जी, जिनके साथ आपकी डीलिंग होनी है, ठीक है। तो जो लास्ट एग्जांपल में मैंने आपको प्रॉब्लम समझाई थी, ना आप इस पे विश्वास करते हैं मिस्टर ए पे, ना मिस्टर ए आप पे विश्वास करता है, दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो अब ट्रस्ट बिठाने के लिए क्या करेंगे, जैसे लास्ट स्लाइड में समझाया था कि आप एक मिडल मैन को इन्वॉल्व करेंगे जिसपे आप भी ट्रस्ट करते हो और मिस्टर ए भी ट्रस्ट करता हो। तो वो मिडल मैन कौन है, वो मिडल मैन कौन है, बैंक। वो मिडल मैन कौन है, बैंक। आप किसको बिठाएंगे, एक बैंक को बिठाएंगे, ठीक है। ये आ गया एक बैंक, ये बैंक किसका है, आपका, यू, ठीक है। आप इंडिया में अपने बैंक को बिठाएंगे, मिस्टर ए मिडल मैन किसको बिठाएगा, अपने बैंक को। मिस्टर ए मिडल मैन किसको बिठाएगा, अपने बैंक को, ठीक है। ये बैंक है फॉरेन कंट्री का, अमेरिका का बैंक है, ये किसका बैंक है, मिस्टर ए का, ठीक है। अब बात क्या होनी है, सबसे पहले क्या होएगा, आप दोनों आपस में, मिस्टर ए एंड आप जो हैं, आपस में अपनी टर्म्स को डिसाइड करोगे, टर्म्स को डिसाइड करोगे कि क्या टर्म्स हमने रखनी है अपने गुड्स की, ठीक है। उस टर्म्स के अंदर आप, मिस्टर ए ने जैसे आपसे माल परचेज करना है, वो आपके पास ऑर्डर बुक करेगा, वो आपके पास ऑर्डर बुक करेगा। आप दोनों अपनी समझदारी से, क्योंकि देखो व्यापार तो आप दोनों के बीच में हो रहा है, ये तो आपने मिडल मैन इन्वॉल्व कर लिए, एजेंट्स इन्वॉल्व कर लिए अपने बीच में ना, तो आप दोनों ने आपस में टर्म्स एंड कंडीशंस डिटेल में डिसाइड कर लें कि हमारा कैसे कैसे, हमने कब तक माल बनाना है, किस क्वालिटी का माल बनाना है, कब हमने शिपमेंट करनी है, कब हमने पेमेंट रिसीव करनी है, या जो पेमेंट टर्म्स हैं वो पेमेंट टर्म्स किस तरह की रहनी है, ये सारी चीजें आपने अब आपस में डिसाइड कर ली। अब बात रहती है कि आप दोनों एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते। मिस्टर ए कहता है कि मैं आपको पेमेंट एडवांस नहीं करूंगा क्योंकि आप मेरे को माल भेजो नहीं भेजो मेरे को नहीं पता। आप कह रहे हो कि मैं आपको माल भेजूंगा नहीं, आप मेरे को पेमेंट करोगे कि नहीं करोगे मेरे को नहीं पता, ठीक है। तो इसके अंदर अब क्या होएगा, इसके अंदर क्या सीन होएगा, जैसे आप तो एक्सपोर्टर हो ना, आप तो एक्सपोर्टर हो ना, ठीक है, और ये कौन है, ये इंपोर्टर है। आप इसको माल भेजने से डर रहे हो, आपको डर है कि ये बंदा मेरे को पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा। तो मिस्टर ए क्या करेगा, मिस्टर ए क्या करेगा, ये अपने बैंक के पास जाएगा, ये अपने बैंक के पास जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये बैंक ऑफ अमेरिका है, ये बैंक ऑफ अमेरिका है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल आईसीआईसीआई बैंक है। तो ये अपने बैंक के पास जाएगा, तो और अपने बैंक को जाके बोलेगा कि बैंक जी, मेरी इस पर्सन के साथ इंडिया में एक ट्रांजैक्शन डिसाइड हुई है, एक ऑर्डर का डिसाइड हुआ है, जो मैंने उससे माल ये मंगवाना है, और ये मेरी टर्म्स हैं उस माल की, ठीक है। और क्योंकि मैं तो आपकी कंट्री में ही रहता हूँ और मेरे आपके बैंक में खाते भी हैं और आप तो मेरे को अच्छी तरह से जानते पहचानते हैं, तो कृपया आप एक काम कर दीजिए, जो यहाँ पे पर्सन बैठा है, इंडिया में बैठा है पर्सन, उसको मेरे पे ये विश्वास नहीं है कि वो मैं उसको टाइम पे पेमेंट करूंगा कि नहीं करूंगा, तो आप मेरे बिहाफ पे एक काम कर दीजिए, आप उसको मेरे बिहाफ पे एक गारंटी दे दीजिए, ध्यान से सुनिए, आप उसको मेरे बिहाफ पे एक गारंटी दे दीजिए, यू को, किसको, एक्सपोर्टर को, कि भाई मैं टाइम पे पेमेंट करूंगा। देखिए ध्यान से वर्ड्स को समझिए, मिस्टर ए कह रहा है किसको, बैंक ऑफ अमेरिका को, कि क्या करो आप मेरे बिहाफ पे आप गारंटी दे दीजिए, ठीक है, किसको, एक्सपोर्टर को, इसको, यू को, ठीक है। तो इसको गारंटी दे दीजिए कि जब ड्यू डेट आएगी, जो भी ड्यू डेट हम अपनी टर्म्स में डिसाइड करेंगे, जो भी ड्यू डेट हम अपनी टर्म्स में डिसाइड करेंगे, जब ड्यू डेट आएगी तो मैं उसको टाइम पे पेमेंट करूंगा, ठीक है। अगर मैं पेमेंट नहीं करता तो आप कर देना पेमेंट, ठीक है। आप उसको ये गारंटी दे दीजिए, जो ये गारंटी इश्यू होती है उस गारंटी को हम बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट। उस गारंटी को क्या बोला जाता है, लेटर ऑफ क्रेडिट बोला जाता है उस गारंटी को, ठीक है। तो मिस्टर ए ने बैंक ऑफ अमेरिका से ये रिक्वेस्ट कर दी,
अब आप ध्यान से आगे इस प्रोसीजर को समझिए। अब मिस्टर ए ने तो अपनी बात रख दी बैंक ऑफ अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बैंक ऑफ अमेरिका में भी तो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन बैठे हैं ना जिनके सामने इसने ये बात रखी है भाई। अब वो बैंक के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, बैंक को वो पार्टी बना रहा है अपने सारे तामझाम में। वो बैंक वाले कहेंगे मिस्टर ए हम आपके लिए गारंटी तो देने को तैयार हैं एक्सपोर्टर को, हम आपके बिहाफ पे गारंटी दे देंगे एक्सपोर्टर को, बट कल को अगर आप पेमेंट देने से मुकर गए, आप टाइम पे पेमेंट देने से मुकर गए, तो इनको तो इन महोदय को तो पेमेंट हमें करनी पड़ेगी क्योंकि हमने गारंटी दी हुई है, हमने गारंटी दी है उसको पेमेंट करने की। आप नहीं दोगे तो हमें तो करनी पड़ेगी पेमेंट आपके बिहाफ पे। तो कल को आपको आपका दिवाली, आप तो इंसॉल्वेंट हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल आप तो इंसॉल्वेंट हो गए ड्यू डेट पे, आप इंसॉल्वेंट हो गए, दिवालिया निकल गया आपका, आप पेमेंट नहीं कर पाए, पेमेंट हमें करनी पड़ जाएगी। तो भाई कल को हम कैसे सेफ हैं, हमारी सिक्योरिटी क्या है भाई, हम कैसे विश्वास कर ले कि आप एक अच्छे आदमी हैं और आप एक जेन्युइनली जो अच्छे काम करने वाले और बढ़िया बिजनेसमैन है और गुड नेटवर्थ वाले क्लाइंट है, हम कैसे ये विश्वास करें और हमारे पास सिक्योरिटी क्या है। तो फिर बैंक ऑफ अमेरिका क्या करेगा, बैंक ऑफ अमेरिका क्या करेगा, मिस्टर ए उसके उसके पास लेटर ऑफ क्रेडिट की, लेटर ऑफ क्रेडिट की लोन फैसिलिटी के लिए, लोन फैसिलिटी के लिए, लोन फैसिलिटी के लिए अप्लाई करेगा, अप्लाई करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है। तो जो बैंक ऑफ अमेरिका है, ध्यान से समझिए, ये प्रोसीजर अगर आप रिवर्स कर देना, अगर हमारा इंडिया वाला बंदा इंपोर्टर बन जाए और ये यूएसए वाला बंदा एक्सपोर्टर बन जाए, तो ये सेम प्रोसीजर इंडिया में भी अप्लीकेबल होगा। तो बैंक ऑफ अमेरिका क्या करेगा, उसकी सारी क्रेडिट वर्थिनेस को असेस करेगा, उसकी सारी क्रेडिट वर्थिनेस को असेस करेगा, सारी क्रेडिट वर्थिनेस, जैसे जो मैं क्रेडिट अंडरराइटिंग आपको कोर्स करवा रहा हूँ ना, वो मिस्टर ए की सारी बैलेंस शीट्स मंगवाएगा, उसके सारे बिजनेस को स्टडी करेगा, उसकी सिबिल हिस्ट्री निकालेगा, उसकी बैंकिंग का एनालिसिस करेगा, उसकी पास्ट एंड प्रेजेंट रिकॉर्ड्स को निकाल के देखेगा, उसके बिजनेस के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को समझेगा, अपनी पूरी तसल्ली करेगा कि भाई जो मिस्टर ए बंदा है वो डिफॉल्टर टाइप का बंदा नहीं है, बहुत जेन्युइन आदमी है और इसके ऊपर रिस्क लिया जा सकता है, और साथ में वो ये रिस्क लेने के बदले उससे प्रॉपर्टी की डिमांड भी करेगा, उससे प्रॉपर्टी की डिमांड भी करेगा एज सिक्योरिटी, वो उससे प्रॉपर्टी की डिमांड भी करेगा एज सिक्योरिटी। क्यों, क्योंकि बैंक ऑफ अमेरिका बोलेगा कि कल को ड्यू डेट पे आप तो इंसॉल्वेंट हो गए, आपने एक्सपोर्टर को पेमेंट नहीं करी तो मेरे को तो करनी पड़ेगी ना, तो फिर मैं अपनी पेमेंट, आप तो दिवालिया हो गए, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, तो मैं अपनी पेमेंट कहां से रिकवर करूं, मेरे को कोई सिक्योरिटी तो ऑफर करो ना आप। तो जो आप सिक्योरिटी उसको ऑफर करोगे, वो प्रॉपर्टी आप उसको ऑफर करोगे, तो वो आपसे वो प्रॉपर्टी डिमांड करेगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो ये लेटर ऑफ क्रेडिट की जो फैसिलिटी है, ये ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि आपको कोई फ्री खाते में मिल जाएगी, आपकी क्रेडिट वर्थिनेस अच्छी होनी चाहिए, आपका बिजनेस अच्छा होना चाहिए, आपकी पूरी प्रॉपर एडजस्टमेंट होगी बैंक की तरफ से, आपको असेस करेगा, आपकी क्रेडिट वर्थिनेस पे अपने आपको सेटिस्फाई करेगा, आपकी सिक्योरिटी देखेगा कि आपने सिक्योरिटी अच्छी दी है कि नहीं दी है, जब वो सेटिस्फाई होएगा तभी ये रेडी होएगा, तभी ये रेडी होएगा लेटर ऑफ क्रेडिट आपके बिहाफ पे इशू करने के लिए। किसको, मिस्टर इसको यू को, इसका नाम रख देते हैं मिस्टर बी, मिस्टर बी को इशू करने के लिए ये तब रेडी होएगा। अब आप इसमें पार्टीज के नाम समझ लीजिए। वैसे तो देखिए मैं आपको कोई एग्जाम की तैयारी तो करवा नहीं रहा, मैं तो आपको प्रैक्टिकल चीज समझा रहा हूं, तो फिर भी टेक्निकल टर्म्स है आप समझ लीजिए। ये जो बैंक है बैंक ऑफ अमेरिका, ये एलसी इशू कर रहा है। अब एलसी इशू करने का मतलब ये मिस्टर ए के बिहाफ पे गारंटी दे रहा है मिस्टर बी को कि ये बंदा पेमेंट करेगा, अगर ये बंदा पेमेंट नहीं करेगा तो मैं पेमेंट करूंगा। तो मिस्टर बी की तसल्ली के लिए ये लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर रहा है। तो जो ये बैंक ऑफ अमेरिका है, इसको हम क्या बोल देते हैं, बैंक ऑफ अमेरिका को, बैंक ऑफ अमेरिका को हम क्या बोल देते हैं, ये इशुइंग बैंक बोल देते हैं इसको, इशुइंग बैंक बोल देते हैं इसको, ठीक है, इशुइंग बैंक बोल देते हैं। और जो ये मिस्टर बी है, मिस्टर बी है, फायदा किसको हो रहा है, देखिए मिस्टर बी को गारंटी किसको मिल रही है, मिस्टर बी को गारंटी मिल रही है ना कि मेरे को पेमेंट आएगी, आएगी मेरे माल की। तो जो मिस्टर बी है इसको हम क्या बोल देते हैं, बेनिफिशियरी, इसको हम क्या बोल देते हैं, बेनिफिशियरी, मतलब जिसको कोई बेनिफिट हो रहा है, राइट। तो अब जो एलसी का डॉक्यूमेंट है, अब आप ध्यान से समझिए, जो ये टर्म्स एंड कंडीशंस इन्होंने डिसाइड करी थी कि कब तक शिपमेंट करनी है, क्या पेमेंट टर्म्स रखनी है, एफओबी वैल्यू पे रखनी है या सीआईएफ वैल्यू पे रखनी है, और क्या क्या जो एक्सपोर्टर है,
वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इंपोर्टर को भेजेगा, उन सारे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल क्या है, जैसे मैंने डॉक्यूमेंट्स का सेटअप को समझाया था ना फर्स्ट स्लाइड में, ये सारा सेट एलसी में भी लिखा रहता है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें एलसी में पूरी प्रॉपर तरीके से जो बैंक ऑफ अमेरिका है वो छाप देगा, पूरे प्रॉपर तरीके से उसके लिख देगा, और उसके अंदर सिंगल भी डेविएशन होनी नहीं चाहिए, राइट। तो वो एलसी का पूरा एक जो 3-4 पेज का कागज होता है वो एलसी का पूरा स्टैम्प साइन करके तैयार कर लेगा, एलसी का कागज, ठीक है जी। तो अब जो वो एलसी का कागज तैयार करेगा, वो एलसी का कागज तैयार करके बोलेगा मिस्टर बी मेरे पास ये एलसी तैयार है, आप एलसी ले लीजिए। अब आप और एक कंसेप्ट ध्यान से समझिए, वो मिस्टर बी के बोलेगा कि मेरे पास एलसी तैयार है, आप एलसी ले लीजिए और आपके पास मेरी गारंटी आ गई। अब मिस्टर बी के दिमाग में क्या आएगा, अब आप खुद को मिस्टर बी के फुटस्टेप्स में रख के सोचिए कि एज अ मिस्टर बी आपके दिमाग में क्या आएगा। मिस्टर बी बोलेगा कि अच्छा ये 3-4 पेज का आपने कागज मेरे को थमा दिया है, ये 3-4 पेज का कागज जो है ये बैंक ऑफ अमेरिका ने इशू किया है, ये कागज, ये स्टैंप भी बैंक ऑफ अमेरिका की लग रही है, ये साइन भी पता नहीं, साइन समझ नहीं आ रहे किसने किए हैं किसने नहीं। अब आपके दिमाग में एक डाउट आना शुरू होएगा कि यार ये तो नहीं है कि कहीं मिस्टर ए जो इम्पोर्टर है उसने कोई फेक एलसी बना के मुझे दे दी हो। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई ये तो नहीं है कि कहीं भाई मिस्टर जो ए हैं इन्होंने मेरे को कोई फेक एलसी बना के दे दी हो, और ये कोई जेन्युइन हो या नहीं हो, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल एलसी है या नहीं है, या जो जिस बंदे ने इस एलसी पे साइन करे हैं वो बंदा ऑथराइज्ड सिग्नेटरी था भी या नहीं, मेरे को क्या पता उसको साइन करने की अथॉरिटी थी भी या नहीं। आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, ना ही आप कभी इन चीजों को समझ सकते हो। फिर आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि यार मैं एक मिडल मैन को इन्वॉल्व करता हूँ इन ट्रांजेक्शन को समझने के लिए, जो बेहतर है इन चीजों को समझने के लिए। आप अपने बैंक के पास अप्रोच करोगे, आप अपने बैंक के पास अप्रोच करोगे, आपका बैंक कौन सा है, आईसीआईसीआई बैंक, आप आईसीआईसीआई बैंक के पास अप्रोच करोगे, उनको बोलोगे महोदय मेरे पास ये एलसी आई है, मेरे पास ये एलसी आई है, कृपया करके मेरे को एडवाइस करें, कृपया करके मेरे को एडवाइस करें कि ये जो एलसी है वो ओके है या नहीं है, ओके है या नहीं है, कृपया करके मेरे को इस चीज की एडवाइस दें। तो जो आईसीआईसीआई बैंक है आपके बिहाफ पे एलसी को पूरा जज करेगा, जरूरत पड़ी तो इनसे कंफर्मेशन लेगा कि हाँ भाई आपने यही एलसी आपकी इशूड है कि नहीं है। तो जब वो एलसी को पूरी तरह से जज कर लेगा आईसीआईसीआई बैंक, तो वो आपको कंफर्म कर देगा, तो वो आपको कंफर्म कर देगा कि भाई हाँ जी ये एलसी ओके है, ये एलसी ठीक है, आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो आपका ये वाला डर दूर हो गया ना, ये वाला डर आपका खत्म हो जाएगा। देखिए आपके दो डर दूर हो गए, एक तो उससे पेमेंट वाला डर सिक्योर हो गया कि अब वो पेमेंट आपको पता है कि पेमेंट आ जानी है, अब दूसरा ये कि जो जो उसने गारंटी दी है बैंक की तरफ से लिखवा के, ये गारंटी भी उसने मेरे को जेन्युइन दी है, ठीक है। तो देखिए अब जो ये बैंक था अमेरिका का जिसने एलसी इशू की थी, ये एलसी इश्योरेंस चार्जेस लेगा, एलसी इश्योरेंस चार्जेस लेगा, किससे लेगा, मिस्टर ए से जो उसका क्लाइंट है, मिस्टर ए से एलसी इश्योरेंस चार्जेस लेगा। जो ये बैंक है आईसीआईसीआई बैंक जिसने आपको एडवाइजरी सर्विस दी, ध्यान देखिए इसने आपको क्या सर्विस दी है, एडवाइजरी सर्विस दी है, जो ये एडवाइजरी सर्विस है इसके वो चार्जेस लेगा, एडवाइजिंग चार्जेस, एलसी एडवाइजिंग चार्जेस बोलते हैं, ये डिफरेंट बैंक टू बैंक वेरी करते हैं, एलसी एडवाइजिंग चार्जेस आपसे लेगा इसके बदले में, राइट। आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया, तो अब आप ध्यान से समझिए कि अब आगे क्या प्रोसीजर रहेगा, अब आप देखिए आगे क्या प्रोसीजर रहेगा। देखिए अब इंपोर्टर ने जो मिस्टर ए हैं, अब जो इंपोर्टर हैं उन्होंने अपना काम कर दिया, इंपोर्टर ने अपना काम कर दिया कि आपको एलसी बना के दे दी, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। अब आप सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं कि अब बॉल किसके हाथ में है, अब बॉल किसके हाथ में है, उसने अपना काम करके दे दिया आपको सेटिस्फाई करने के लिए, अब बॉल किसके हाथ में, अब आपके हाथ में बॉल है, अब प्रेशर आपके ऊपर है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है कि अब आप अपने वादे से ना मुकरें, अब आप अपना काम करके दें, ठीक है। आपने क्या काम करना था, आपने काम करना था कि उसको जो माल चाहिए, जो गुड्स चाहिए आपको, उसको गुड्स को सप्लाई करना है, गुड्स को सप्लाई करना है, ठीक है। अब आप ध्यान में रखना एक चीज कि जब एलसी की टर्म्स आती हैं, जब एलसी की टर्म्स आती हैं तो आपको एलसी के अंदर, एलसी के अंदर जो कुछ भी लिखा है, जो कुछ भी लिखा है, जो कुछ भी लिखा है वो कंप्लाई करना है, वो
कंप्लाई करना है। ये स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं, ये स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं, ठीक है। एलसी के अंदर जो इसने गारंटी दी थी बैंक ऑफ अमेरिका ने, मैंने आपको बताया था ना कि पूरी डिटेल छाप देते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर, जो उन्होंने पूरी डिटेल छापी हुई है, उन डिटेल के अंदर जो जो भी उन्होंने कंडीशंस लिखी हुई हैं, उन कंडीशंस को आपने कंप्लाई करना है मैंडेटरली विदाउट एनी डिविएशन, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि सर क्या क्या कंडीशंस, ऐसी क्या क्या कंडीशंस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूँ। कंडीशन है कि जो गुड्स हैं वो गुड्स की जो शिपमेंट है, फॉर एग्जाम्पल 31 अगस्त 2021 तक शिपमेंट हो जानी चाहिए, शिपमेंट डेट मेंशनड है। सर ये 31 अगस्त 2021 तक जो शिपमेंट करने की डेट एलसी पे लिखी हुई है, हमें कैसे पता लगेगा कि शिपमेंट हो गई है नहीं हुई है, कौन सी डेट से वेट होएगा? भाई साहब बिल ऑफ लेडिंग, समझाया था ना आपके वो डॉक्यूमेंट, बिल ऑफ लेडिंग डेट से आपको पता लग जाएगा कि आपकी शिपमेंट डेट कौन सी है। तो फॉर मसलन उसमें लिखा हुआ है एलसी में कि शिपमेंट डेट 31 अगस्त 2021 तक मैक्सिमम होनी चाहिए, तो आपको ये कंडीशन कंप्लाई करनी है। एलसी के अंदर लिखा हुआ है कि आपको इनवॉइस की 3 कॉपीज भेजनी है, पैकिंग लिस्ट की 2 कॉपीज भेजनी है, ठीक है। या जो भी मैंने एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स बताए थे उनके अलग अलग डॉक्यूमेंट्स, उन्होंने कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी ऐड कर दिए कि ये डॉक्यूमेंट्स भी आपको एडिशनली एडिशनली भेजने हैं और इतनी इतनी कॉपीज उसकी भेजनी है। फॉर एग्जाम्पल लिख दिया बिल ऑफ लेडिंग की आपको एक ओरिजिनल, साथ में 3 डुप्लीकेट कॉपीज आपको भेजनी है। तो भाई साहब जो जो उन्होंने लिखा है आपके लिए वो पत्थर की लकीर है, जो 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 उन्होंने लिखा वो आपके लिए पत्थर की लकीर है, आपको उसको कंप्लाई करना है, आपको उसको कंप्लाई करना ही पड़ेगा आपके लिए। क्योंकि अगर आप एलसी की टर्म्स को कंप्लाई नहीं करते तो ये बैंक ऑफ अमेरिका जो है, ये बैंक ऑफ अमेरिका जो है, ये आपको पेमेंट देने से, आपको गारंटी देने से मुकर सकता है। बात ध्यान रखते हैं ना, बात बैंक ऑफ अमेरिका ने आपको गारंटी लिख के दी है एक लेटर पे, 3-4 पेज के लेटर पे, कि भाई साहब ये सारी कंडीशंस है, अगर आप ये कंडीशंस को कंप्लाई करेंगे तो मेरी गारंटी है कि कल को मिस्टर ए अगर पेमेंट नहीं करता तो मैं पेमेंट करूंगा, ठीक है। तो बैंक ऑफ अमेरिका कहता है कि अगर मिस्टर ए पेमेंट नहीं करता तो मैं आपको पेमेंट करूंगा, ये चीजें अगर आप लिख के देंगे तो मेरी गारंटी है इसके ऊपर, आपको आप बेफिक्र रहिए। तो अगर आपको उन चीजों को अगर आप कंप्लाई नहीं करेंगे तो बैंक ऑफ अमेरिका कल को आपको गारंटी देने से बिल्कुल साफ साफ मुकर सकता है, उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है, ठीक है। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि उनकी कंडीशंस को आपको कंप्लाई करना है मैंडेटरली। अब आप नेक्स्ट चीज ये भी होती है कि फॉर एग्जाम्पल देखिए, प्रैक्टिकल सिनेरियो में मैं आपको समझाता हूँ। अब प्रैक्टिकल सिनेरियो में क्या होता है कि कई बार ये कंडीशंस पूरी तरह से कंप्लाई नहीं होती। अब मसलन फॉर एग्जाम्पल कि 31 अगस्त 2021 को आपने लेटर ऑफ क्रेडिट में लिखा था कि भाई जो शिपमेंट डेट है वो 31 अगस्त 2021 की होनी चाहिए मैक्सिमम। अब मान लो आपने 31 अगस्त के बाद आपने मान लो 4 सितंबर 2021 को आपने गुड्स को बिल ऑफ लेडिंग आपने जनरेट करवाया, किसी वजह से 4-5 दिन की वजह से लेट हो गया, तो आपने एलसी की टर्म को कंप्लाई नहीं किया तो बैंक ऑफ अमेरिका आपको मना कर सकता है इस चीज के लिए। तो इस चीज में आपके जो मिस्टर ए के साथ रिलेशंस हैं वो काम में आएंगे। आप मिस्टर ए को रिक्वेस्ट कीजिए कि भाई साहब ये 4-5 दिन का इन इन रीजंस की वजह से मेरे को डिले हो गया था, तो आप कृपया करके अपने बैंक को समझाइए कि भाई वो इस चीज को एक्सेप्ट करे और एलसी में रिक्वायर्ड जो चेंजेस हैं, रिक्वायर्ड जो अमेंडमेंट्स हैं वो कर ले, ठीक है। तो मिस्टर ए क्या कहेगा, अपने बैंक ऑफ अमेरिका को बोलेगा कि भाई जो ये एलसी थी, जो 31 अगस्त 2021 की आपने जो शिपमेंट डेट डाली हुई थी, उसको आप 4 सितंबर 2021 की शिपमेंट डेट कर दीजिए, तो 4 सितंबर 2021 की शिपमेंट डेट कर दीजिए क्योंकि मेरी उसके साथ बात होगी, आप एलसी को अमेंड कर दीजिए। तो बैंक ऑफ अमेरिका को तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो एलसी की अमेंडमेंट कर देगा, बट वो क्या करेगा, एलसी अमेंडमेंट चार्जेस डिमांड करेगा, एलसी अमेंडमेंट चार्जेस डिमांड करेगा। किससे डिमांड करेगा, उसको तो रिक्वेस्ट मिस्टर ए ने करी है, वो मिस्टर ए से एलसी अमेंडमेंट चार्जेस डिमांड करेगा। तो अब मिस्टर ए बोलेगा कि भाई एलसी अमेंडमेंट चार्जेस है, गलती मिस्टर बी की है, तो एलसी अमेंडमेंट चार्जेस जो है वो मैं क्यों भरूं। तो वो मिस्टर ए जो है वो मिस्टर बी को बोलेगा कि भाई साहब ये आपके एलसी के चेंजेस तो मैं करने को तैयार हूं, बट ये इतने अमाउंट के जो चार्जेस लग रहे हैं एलसी अमेंडमेंट चार्जेस, ये आपको भरने पड़ेंगे, ये आपको भरने पड़ेंगे, मैं तो आपसे रिकवर करूंगा, एक बार तो मैं बैंक ऑफ अमेरिका को दे दूंगा बट मैं आपको पेमेंट आपकी पेमेंट से काटूंगा ये चीज, तो ये आपको ही भरने पड़ेंगे। तो इन चीजों का आपको नुकसान होने का डर रहता है, तो इन चीजों से आप बचिए। जो एलसी की पेमेंट टर्म्स है उनको पूरी पूरी तरह से आपको कंप्लाई करने की कोशिश कीजिए। तो इस तरह से आपका ये जो एलसी का सिस्टम है वो वर्क करता है।
तो आई होप आपने ये सिस्टम, ये मेथोडोलॉजी तो आपने प्रैक्टिकली समझ ली होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसके अंदर। तो अभी आगे आगे देखिए, जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर तो मैं एलसी की नेगोशिएशन समझाऊंगा। तो अभी जो हमारा जो नेक्स्ट, इसके बाद जो एलसी का टॉपिक है उसके बाद मैं आपको क्या कवर करवाना चाहता हूँ, मैं आपको कवर करवाना चाहता हूँ कि जो एलसीज हैं वो एलसीज हम कितने टाइप्स की होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एलसीज क्या हैं, उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए बहुत अलग अलग वैरायटी होती है एलसीज की। जो मैंने ये लिस्ट लिखी है, ये मैंने लिस्ट वो लिखी है जो सिर्फ आपके समझने के लिए इस टाइम आपके लिए जरूरी है। ये मैंने वो लिस्ट लिखी है जो आपके समझने के लिए जरूरी है। इसके अलावा और भी एलसी होती हैं, बैक टू बैक एलसी, पता नहीं चार पांच तरह की और एलसीज भी रहती हैं। मैं उन चीजों की तरफ नहीं जा रहा, जो मेन चीजें आपको समझ में आनी चाहिए उन चीजों के बारे में आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए इनलैंड एलसी एंड फॉरेन एलसी, देखिए जो लास्ट एग्जाम्पल मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको समझाया, जो इंडिया और यूएसए की ट्रांजेक्शन बैठ रही है, जो इंडिया एंड यूएसए की ट्रांजेक्शन हो रही है आपस में, ठीक है, तो इसमें दो कंट्रीज इन्वॉल्व है, दो फॉरेन कंट्रीज। तो जो इस ट्रांजेक्शन में जो एलसी इश्यू होगी उसको क्या बोलते हैं हम, फॉरेन एलसी बोलते हैं। अगर आपकी विद इन इंडिया ही ट्रांजेक्शन हो रही हो, अगर आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो विद इन इंडिया ही हो रही हो, डोमेस्टिक कंट्री में भी हो रही हो, तो डोमेस्टिक कंट्री में भी एलसी इशू करने की सुविधा रहती है। अगर आप लुधियाना में बैठे हैं, मुंबई के किसी बंदे के साथ डील करना चाहते हैं, वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहा, तो यहाँ पे भी आप डोमेस्टिक पर्पज के लिए भी एलसी खुलवा सकते हैं। तो जो ये डोमेस्टिक एलसी होती है इसको बोल देते हैं हम इनलैंड एलसी, और जो फॉरेन के बिजनेस में इन्वॉल्व रहती है उसको हम क्या बोल देते हैं, फॉरेन एलसी बोल देते हैं, ठीक है। अब एक रहती है कैपेक्स एलसी। कैपेक्स का मतलब क्या होता है, कैपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली एलसी क्या होती है, अगर आपने फॉरेन से, अगर आपको अपने फॉरेन से कोई अपना माल जो आप ट्रेड कर रहे हैं या जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसके लिए जो गुड्स बन मंगवाते हैं, वो तो चलो आपकी नॉर्मल एलसी हो गई। अगर आप कोई हैवी मशीनरी मशीनरी मंगवा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल फॉरेन कंट्री से, अगर आप कह रहे हैं कोई मशीनरी चाहिए, कोई बिग एसेट चाहिए फॉरेन कंट्री से जो आपको अपने इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए जरूरी हो, ठीक है, तो इस तरह की जो बड़ी ट्रांजेक्शन होती हैं उनको, उनके लिए क्या हम यूज करते हैं वर्ड, कैपेक्स एलसी यूज करते हैं। कि आपको कोई कैपेक्स एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, मोटा एक्सपेंडिचर करना है, उसके लिए एलसी आपको इश्यू करवानी है। तो वो बाकी प्रोसीजर सेम है। इसमें डिफरेंस क्या रहता है, इसमें डिफरेंस ये रहता है कि देखिए जो ट्रेडेबल गुड्स होती हैं, जो मैन्युफैक्चर गुड्स होती हैं, वो तो आपको 2-4 महीने में फॉरन वाला बंदा अवेलेबल करवा देता है। पर आपको फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ी मशीनरी मंगवानी है, तो कई बार वहां पे उस बंदे को उस मशीनरी को बनाने के लिए ही 8-10 महीने, 1 साल, 1.5 साल का पीरियड भी चाहिए होता है, कई बार ज्यादा टाइम उसको चाहिए होता है। तो बड़ी अमाउंट की है मशीनरी, है बड़ा इन्वेस्टमेंट है, तो उसको ज्यादा टाइम चाहिए होता है। तो इस चक्कर में क्या हम क्या करते हैं कि जो एलसी इशू करवाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, कैपेक्स एलसी इशू करवाते हैं। थर्ड जो हमारी टाइप हो जाती है वो होती है रेवोकेबल और इरेवोकेबल एलसी। तो लास्ट एग्जाम्पल में जैसे बैंक ऑफ अमेरिका ने एलसी को इशू किया था, बैंक ऑफ अमेरिका ने एलसी को इशू किया था, तो जो वो एलसी उसने इशू करी थी बैंक ऑफ अमेरिका ने, अगर वो एलसी को कल को रिवोक कर सकता है, कैंसिल कर सकता है अपनी मर्जी से, वर्ड है अपनी मर्जी से, अगर वो कैंसिल कर सकता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेवोकेबल एलसी। अगर वो उसको कैंसिल नहीं कर सकता तो उसको हम क्या बोलते हैं, इरेवोकेबल एलसी। देखिए जो यूसीपीडीसी गाइडलाइंस मैंने आपको समझाई हैं, जो यूसीपीडीसी गाइडलाइंस हैं, जो आईसीसी के जो 600 जो गाइडलाइंस हैं, आर्टिकल्स हैं, वो बोलते हैं कि जो एलसी क्या है वो हमेशा कौन सी होनी चाहिए, इरेवोकेबल होनी चाहिए। आप खुद समझिए ना कि आप व्यापार कर रहे हैं किसी पर्सन के साथ, और जो बैंक ऑफ अमेरिका है वो आपको जो एलसी का पेपर इशू किया है उसमें ये लिख के दे रहा है कि भाई ये जो एलसी है ये रेवोकेबल एलसी है, कल को मैं इसको कैंसिल भी कर सकता हूँ, तो आपको कैसे ट्रस्ट बैठेगा भाई इस पूरी ट्रांजेक्शन के ऊपर। तो एलसी हमेशा इरेवोकेबल नेचर की ही होनी चाहिए। अब आती है विद रिकोर्स और विदाउट रिकोर्स एलसी। रिकोर्स का क्या मतलब होता है, रिकोर्स का मतलब होता है सहारा देना, रिकोर्स का मतलब होता है सहारा देना, एडिशनल सपोर्ट देना, ठीक है। अब आप ये ट्रांजेक्शन समझिए कि विद रिकोर्स और विदाउट रिकोर्स ट्रांजेक्शन में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एलसी आपके पास आ गई, एलसी आपके पास आ गई, आपने गुड्स को एक्सपोर्ट कर दिया, गुड्स को एक्सपोर्ट कर दिया, जब ड्यू डेट आई, जब ड्यू डेट आई तो मिस्टर ए जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया, मिस्टर ए जो है इंसॉल्वेंट हो गया, तो
तो उसके अंदर क्या है सीन है कि आपने क्या किया, जो एलसी है उसको आपने यहां से डिस्काउंट करवा लिया, एलसी को यहां से डिस्काउंट करवा लिया। जब एलसी को आपने यहां से डिस्काउंट करवा के अपने बैंक से पेमेंट ले ली, तो आपका बैंक यहां से पेमेंट लेगा, तो आपका बैंक यहां से पेमेंट लेगा, तो कल को ये बंदा इंसॉल्वेंट हो गया और ये बंदा ये अपना पेमेंट देने से मुकर गए, यहाँ का बैंकर भी इंसॉल्वेंट हो गया, बैंक ऑफ अमेरिका इंसॉल्वेंट हो गया और ये भी इंसॉल्वेंट हो गया, ये पेमेंट देने से मुकर गए, तो जो आपका बैंक है वो आपको भी अप्रोच कर सकता है पेमेंट करने के लिए, ये होता है विद रिकोर्स। अगर आपको वो अप्रोच नहीं कर सकता, इसको उसको बोलते हैं हम विदाउट रिकोर्स, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए नया वर्ड यूज किया, एलसी डिस्काउंटिंग वाला, इसको देख के कंफ्यूज मत होना। जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर है वो डेडिकेटेड रहेगा एलसी डिस्काउंटिंग फैसिलिटी के ऊपर, कि ये क्या क्या होती है और कैसे वर्क करती है। इसमें बड़े इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको समझाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो एलसी डिस्काउंटिंग के ऊपर है, बस आप इतना समझ लीजिए कि अगर आपने एलसी की डिस्काउंट करवाया है और आपकी अगर विद रिकोर्स एलसी है, तो कल को अगर बैंक ऑफ अमेरिका फेल हो गया, वो एलसी की पेमेंट नहीं दे पाया ड्यू डेट पे उसके फेलियर की वजह से, तो जो आपका आईसीआईसी बैंक है वो आपसे भी पेमेंट रिकवर कर सकता है अगर विद रिकोर्स है। तो अगर विदाउट रिकोर्स है तो आईसीआईसी बैंक को अगर बैंक ऑफ अमेरिका से पेमेंट नहीं आती, तो उसका वो पेमेंट का जो आपको उसने दे दी है वो लॉस हो गई, पेमेंट उसकी वो खत्म हो गई, ठीक है। तो आप सिर्फ अभी इतना समझिए एलसी डिस्काउंटिंग क्या है क्या नहीं, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में जरूर डिस्कस करना चाहेंगे अपने साथ। तो अभी हम एक बार मैं आपको प्रीवियस स्लाइड पे दोबारा ले आता हूँ, जो ये वाली स्लाइड थी जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो इंक्लूड करते हैं कि नहीं करते एलसी, उसमें डीपी वाले डॉक्यूमेंट बोल देते हैं या साइट वाले डॉक्यूमेंट बोल देते हैं या यूजेंस वाले डॉक्यूमेंट बोल देते हैं। जो यूजेंस वाले होते हैं वो आफ्टर डेट या आफ्टर साइट हो सकते हैं। तो जो ये चीज है सिमिलर चीज, जो ये सिमिलर कंसेप्ट है, ये सेम एप्लीकेबल है एलसी के ऊपर भी। ये सेम कॉन्सेप्ट किसके ऊपर है, एलसी के ऊपर भी एप्लीकेबल है। किस तरह से, जो एलसी है इसको आप टाइप भी मान सकते हैं, एलसी की साइट एलसी हो सकती है या यूजर्स एलसी हो सकती है। जो एलसी का पेपर उसने इशू किया है, जो एलसी का पेपर जो इशू किया है, ठीक है, जो मतलब पेमेंट टर्म्स है एलसी की, वो साइट एलसी भी हो सकती है और यूजर्स भी हो सकती है। साइट मतलब कि एलसी की पेमेंट कब होगी, ऑन द स्पॉट, ठीक है, पेमेंट टू बी डन ऑन साइट जब एलसी प्रेजेंट हो गई, डिमांड कर दी या प्रेजेंटेशन रख दी। क्या मीनिंग है इसका, इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जब आपने गुड्स को एक्सपोर्ट कर दिया, गुड्स को एक्सपोर्ट करके जब आपने डॉक्यूमेंट्स, देखिए एलसी वाला डॉक्यूमेंट आप अपने बैंक के थ्रू ही डॉक्यूमेंट भेजेंगे ना, आप अपने बैंक के थ्रू आपने डॉक्यूमेंट्स भेजे बैंक ऑफ अमेरिका को, आईसीआईसी बैंक ने बैंक ऑफ अमेरिका डॉक्यूमेंट भेजे, प्रेजेंट किए कि भाई ये जो आपकी गुड्स है हमने एक्सपोर्ट कर दी है, एलसी की टर्म्स के अंदर हमने एक्सपोर्ट कर दी है, तो जो बैंक ऑफ अमेरिका है वो आपका इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, बिल ऑफ लेडिंग, जो भी आपका सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, उन सबको पूरा थोरो एंड डिटेल में पूरा चेक करेगा, पूरा बारीकी से चेक करेगा कि कहीं कुछ मिस्टेक ना हो जाए कहीं पे भी, क्योंकि उसको अपनी एलसी के साथ कंप्लाई करना है। इसने एलसी इशू की थी ना बैंक ऑफ अमेरिका ने, इसने पूरी टर्म्स लिख के दी थी एलसी के अंदर, तो अब आपने गुड्स एक्सपोर्ट कर दी है, तो वो चेक करेगा कि जो टर्म्स मैंने लिख के दी थी उन टर्म्स के अकॉर्डिंगली आपने गुड्स को भेजा है कि नहीं भेजा है। उन टर्म्स को वो पूरा डिटेल में चेक करेगा, आपके जो आपने एक्सपोर्ट के जो सेट ऑफ ये डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, साथ में जो ये डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं इनको डिटेल में रीड करेगा, इनवॉइस को, पैकिंग लिस्ट को, बिल ऑफ लेडिंग को, ये सारी चीजें कि आपने जो एलसी के कंडीशंस थी उनको कंप्लाई किया है कि नहीं किया है, वो पूरा थोरो चेक करेगा। जब वो बैंक ऑफ अमेरिका इस चीज से सेटिस्फाई हो जाएगा, अगर साइट एलसी है, साइट मतलब ऑन द स्पॉट, ऑन प्रेजेंटेशन, ऑन डिमांड, आफ्टर एक्सेप्टेंस लगा लीजिए, तो वो मिस्टर ए को बताएगा कि भाई जो डॉक्यूमेंट्स आए इन, ध्यान से सुनिए, वो मिस्टर ए को बोलेगा कि जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं दैट आर इन अकॉर्डेंस विद द एलसी टर्म्स एंड वी आर मेकिंग पेमेंट टू आईसीआईसीआई बैंक ऑन सो एंड सो डेट, ठीक है। वो मिस्टर ए को कंफर्म कर देगा, मिस्टर ए ओके कर देगा, तो जो ये यूएसए वाले जो बैंक ऑफ अमेरिका है ड्यू डेट पे जो आईसीआईसीआई बैंक है इनको पेमेंट कर देगा, आईसीआईसीआई बैंक इससे मिस्टर बी के खाते में पेमेंट डाल देगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम, साइट एलसी बोलते हैं, कि बस जब डॉक्यूमेंट्स पहुंच के डीपी, जैसे डीपी बिल होता है ना कि डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट, तो डॉक्यूमेंट्स उसको तब तक रिलीज नहीं होने जब तक पेमेंट नहीं होनी, ठीक है। तो लाइक डीपी बिल ये वर्क करती है साइट एलसी। यूजर्स एलसी क्या होती है, यूजर्स एलसी में एक टेन्योर रहता है, जैसे एलसी 90 डेज हो गई, एलसी 120 डेज हो गई, ठीक है, 180 डेज हो गई एलसी, तो ये अलग अलग टेन्योर रहता है यूजर्स एलसी के अंदर। ये डीए बिल्स की तरह ही काम करता है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था। इसके अंदर जो ये 90 दिन का टेन्योर है या जो 120 दिन का टेन्योर है या जो 180 दिन का टेन्योर है, ये आपकी मर्जी है कि आपने कब से डिसाइड करना है। या तो आप डिसाइड कर लीजिए कि ये जनरली जो मैंने प्रैक्टिकली देखा है ये फ्रॉम द डेट ऑफ बिल ऑफ लेडिंग होता है,
जनरली जनरली क्या होता है कि ये फ्रॉम द डेट ऑफ बिल ऑफ लेडिंग काउंट होता है ये पीरियड। बाकी ये बायर्स और सेलर पे डिपेंड करता है कि उन्होंने अपनी टर्म्स को कैसे रखा हुआ है। ये आप इनवॉइस डेट से रख लीजिए, आप शिपिंग बिल डेट से रख लीजिए, शिपिंग बिल डेट से रख लीजिए, आप कोई भी डेट रख लीजिए, आपकी मर्जी है कि आप एक पर्टिकुलर डेट डिसाइड कर लीजिए कि उस डेट के बाद ये 90 डेज का पीरियड शुरू होएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर बिल ऑफ लेडिंग की डेट 1 जून 2021 थी, 1 जून 2021 थी, और ये एलसी 90 डेज की है, बिल ऑफ लेडिंग डेट के 90 डेज कब बनते हैं? जून जुलाई अगस्त, 31 अगस्त को 90 डेज कंप्लीट हो जाते हैं। तो 31 अगस्त को जो बैंक ऑफ अमेरिका है वो उसको पेमेंट करनी पड़ेगी आईसीआईसीआई बैंक को, हम जाने कि हमें हमें पेमेंट करनी करनी पड़ेगी ड्यू डेट पे, ठीक है। तो आफ्टर साइट रखना है, आफ्टर साइट का मतलब यह होता है कि जब आपके डॉक्यूमेंट्स बैंक ऑफ अमेरिका के पास पहुंच जाए, बैंक ऑफ अमेरिका के पास पहुंच जाए, और वो आपके जो इम्पोर्टर है उसकी एक्सेप्टेंस ले ले, उसकी एक्सेप्टेंस ले ले, उस एक्सेप्टेंस डेट के बाद ये पीरियड काउंट होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपकी मर्जी है कि आप इसको किस तरह से चलाना चाहते हैं, किस तरह से नहीं। ये आप अपने लाइक सेम एज लाइक डीए डीपी बिल्स जो मैंने समझाया था उसी तरह से कंसेप्ट रहता है। आप इसको ये भी मान सकते हैं कि ये एलसी की अगेन दो और टाइप्स है, साइट एलसी और यूजेंस एलसी, राइट। तो यूजेंस एलसी में क्रेडिट पीरियड आ गया, साइट एलसी डीपी बिल की तरह हो गया, इसमें कोई क्रेडिट पीरियड इन्वॉल्व नहीं है। अब आप एक चीज मैं आपको क्लैरिफिकेशन आपको दे देता हूं, एक क्लैरिफिकेशन आपको समझाने के लिए। आप इंपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, इंपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना कि जो एलसी है उससे आपको बेनिफिट क्या मिला कि आपका जो एक्सपोर्टर था उसको आपके ऊपर ट्रस्ट आ गया कि भाई ये बंदा मेरे को पेमेंट करेगा। बट एलसी कभी भी इस चीज की आपको गारंटी नहीं देती कि जो गुड्स हैं जिस क्वालिटी के आपने मंगवाए थे, जिस क्वालिटी के आपने मंगवाए थे उस क्वालिटी के हैं या नहीं है। इस चीज की एलसी कभी भी गारंटी नहीं देती, ये आपका लक फैक्टर है। इसके लिए आपको एक्सपोर्टर पे विश्वास करना पड़ेगा। जो आपका बैंक ऑफ अमेरिका है वो तो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के साथ डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर करेगा, वो कभी भी आपको इस चीज की गारंटी नहीं देगा कि गुड्स जो है वो डिसेंट क्वालिटी के आए हैं या नहीं आए। तो चलिए इस टॉपिक के साथ मेरा एलसी का जो बेसिक था वो मैंने काफी कवर करवा दिया। अब मैं आपको एलसी का एक सैंपल भी दिखा देता हूँ, एलसी का एक सैंपल भी दिखा देता हूँ अपने पास, एलसी का एक सैंपल दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये एक एलसी का सैंपल है। देखिए, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसको आप ऐसे मत लगा के चलिएगा कि यही एक सैंपल होता है, ये इसी तरह की एलसी होती है। तो देखिए, बस समझना है आपको कि ये देखिए, इसने जो एलसी है इसको एड्रेस किसको किया है, बायर को एड्रेस किया है, परफॉर्मा इनवॉइस यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इनवॉइस का उसकी डिटेल्स है, रेफरेंस आईडी है। ये देखिए, उन्होंने लिखा है कि जो लेटर ऑफ क्रेडिट है ये इरेवोकेबल रहेगी। मैंने आपको बताया था ना कि या ये आपको ध्यान से पढ़ना है कि रेवोकेबल है या इरेवोकेबल है। वैसे जो यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट की गाइडलाइंस है उसके अंदर हम इरेवोकेबल एलसी ही इशू कर सकते हैं, राइट। तो जो लेटर ऑफ क्रेडिट है तो इन्होंने आगे बैंक का नाम दे दिया कि कौन कंफर्मिंग बैंक है, एडवाइजिंग बैंक है, ठीक है। तो आगे देखिए, इनकी एलसी की उन्होंने देखिए टर्म्स डिसाइड करी हैं कि जो पेमेंट्स हैं वो एट साइट होनी है, एट साइट होनी है, या जो जो देखिए ये पेमेंट टर्म्स 90 डेज आफ्टर द डेट ऑफ बीएल यानी कि आफ्टर डेट होनी है, या पेमेंट टर्म्स आफ्टर साइट है, जो भी पेमेंट टर्म्स है वो क्लियरली लिखी होंगी, ठीक है। नेगोशिएट कौन करेगा एलसी को, नेगोशिएशन के बारे में, नेगोशिएशन क्या है कि एलसी डिस्काउंटिंग है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट किस तरह से पेमेंट होनी है, यूएस डॉलर्स में कितनी अमाउंट की एलसी है, और क्या क्या देखिए देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट, साइंड कमर्शियल इनवॉइस वन ओरिजिनल एंड कितनी कॉपीज, पैकिंग लिस्ट की कितनी कॉपीज, एयर इंश्योरेंस पॉलिसी, ओशियन बिल ऑफ लेडिंग, क्लीन एयरवे बिल, बिल ऑफ लेडिंग मतलब ओशियन के थ्रू भेज रहे हैं तो बिल ऑफ लेडिंग होता है, और बाय एयर भेज रहे हैं तो एयरवे बिल होता है, ठीक है। तो या अदर डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स सारे स्पेसिफाइड रहते हैं यहाँ पे एलसी के अंदर। अगर आप इन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ही आपको सारा कुछ भेजना पड़ेगा, और जो जो डॉक्यूमेंट्स जितने जितने लिखे हैं आपको उतने उतने वहां पे भेजने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टर्म्स क्या रहेंगी, एफओबी है, सीआईएफ है, सीएफआर एक्स वर्क्स है, एक्सडब्ल्यू का मतलब एक्स वर्क्स है, फ्रॉम वेयर कहाँ से कहाँ तक है, मतलब ये डिटेल्स भी कवर रहेंगी कि क्या क्या पेमेंट टर्म्स हैं, ठीक है। बिल ऑफ लेडिंग कहाँ पे होएगा, पार्ट शिपमेंट्स है, शिपमेंट डेट कब तक की रहेगी, ठीक है। और भी यानी ट्रांसफरेबल है या नहीं है एलसी, एलसी ट्रांसफरेबल नॉन ट्रांसफरेबल भी होती है, बट इसके बारे में इतना इन डेप्थ जाने की आपको जरूरत नहीं है। आपको मेन चीज़ आपको समझ लग गई है, मेरे को वो पूरी पूरी उम्मीद है।
इस तरह से एलसी के अंदर डिटेल्स सारी मेंशन होती है उसके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उसके कॉन्ट्रैक्ट की सारी डिटेल्स मेंशन रहती है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको उसके अंदर काम करना रहता है। तो आप इसके बारे में आई होप सो पूरे अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। जो हम नेक्स्ट लेक्चर अब बनाने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको एलसी डिस्काउंटिंग या एलसी नेगोशिएशन जो होता है उसके बारे में मैं समझाऊंगा डिटेल में। उसके अंदर मैं आपको दो फैसिलिटीज, देखिए मैंने आपको कैश क्रेडिट फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन हो गया और ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ये चार फैसिलिटीज आपको समझा दी थी कि कैसे कैसे होती हैं फैसिलिटीज। आज मैंने आपको पांचवी वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी, लेटर ऑफ क्रेडिट आपको क्लियर करवा दी है। लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में पांचवी फैसिलिटी वर्किंग कैपिटल की क्लियर करवा दी। जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मैं आपको दो फैसिलिटीज कवर करवाऊंगा जो एलसी के साथ रिलेटेड ही है। उन दो फैसिलिटीज के क्या नाम है, फॉरन बिल नेगोशिएटेड एंड लेटर ऑफ क्रेडिट बिल डिस्काउंटिंग, एलसीबीडी, लेटर ऑफ क्रेडिट बिल डिस्काउंटिंग और फॉरन बिल नेगोशिएटेड, ये दोनों एलसी की डिस्काउंटिंग करने की ही टर्म्स हैं। इनको नेक्स्ट लेक्चर में दो टॉप दो दो प्रोडक्ट आपको वर्किंग कैपिटल के और कवर करवा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आपके सेवन प्रोडक्ट्स कवर हो जाएंगे वर्किंग कैपिटल के अंदर। उसके बाद हम थोड़ा सा इंपोर्ट प्रोसीजर के बारे में समझ के फिर हम अपना बायर्स क्रेडिट के बारे में समझेंगे कि बायर्स क्रेडिट क्या चीज है। उसके बारे में हम ये भी समझेंगे कि मिनिस्टर नीरव मोदी जी ने बायर्स क्रेडिट के अंदर कहां पे गड़बड़ करी थी जिसकी वजह से बायर्स क्रेडिट को बीच में बैंक ने करना भी बंद कर दिया था। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर के बाद, नेक्स्ट लेक्चर एलसी नेगोशिएशन, एलसी डिस्काउंटिंग कवर करने के बाद हम नेक्स्ट इस टॉपिक पे आने वाले हैं। तो आप इस चैनल पे बने रहिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज का बेनिफिट उठा पाए। थैंक यू।